नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर सीएम नीतीश कुमार शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने पर चर्चा की गई। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सभी जिलों में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। मोदी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी पर खुद मुकदमे दर्ज हैं और वो आज बेल पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बावजूद तेजस्वी सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं और मंत्रियों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाया और विधायकों पर आरोप लगाए कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष जो 1000 करोड़ के मॉल घोटाले के चार्जशीटेड है, जो बेल पर है और जिनका ट्रायल इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर और ट्रायल स्थगित है या वो धीमी गति से हो रहा है, तो शायद आज वो पिता के समान और कहीं और होते हैं। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिन पर FIR दर्ज है, जिनकी 4 दर्जन से ज्यादा संपत्ति को CBI। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के तहत बैठक बुलाई गई, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, डिप्टी CM रेणु देवी और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बिहार की बेटियों के विकास पर चर्चा की गई। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के तहत आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बेटियों को जितना सम्मान दिया है और उनके लिए जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। मान मिला है आज तक हर क्षेत्र में, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद एक पहली दफा इतना सम्मान बेटियों को मिला है और बेटी की चिंता की है माननीय प्रधानमंत्री। पता है हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में 6 राज्यपाल केवल महिला है, शायद पहली दफा हुई है। और महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में आज जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर सदन की गरिमा को आहत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष कोई ठोस मुद्दा उठाने के बजाय सिर्फ बेबुनियाद बातें कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं पर उन्होंने शराब तस्करी में संलिप्त होने का आरोप लगाया। इसकी बात करता है, विपक्ष को नारी खोखी से फुर्सत है क्या? लतम जुतम से राम सूरत और इससे मैं नाम ले लूंगा ना, हाजीपुर के MLA MLC का कौन कौन दारू बेचवाता है पता चल जाएगा। दारू के पैसे किसके किसके घर भालू के जाते हैं? विपक्ष भालू पर क्यों नहीं बात करता? विपक्ष जमीन घोटाले पर क्यों नहीं बात करता है? क्या विपक्ष पर 65% अपराधियों को टिकट देने का आरोप नहीं है? संवैधानिक पदों पर आप बैठे नहीं है? आप ही छोड़िए ना, पूरा सदन की गरिमा समाप्त कर दी विपक्षों ने। झारखंड की तरफ रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें महाधिवेशन की याद में स्मृति उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भारत की आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के किए गए कार्यों और त्याग को याद किया गया। मौके पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद भी रहे। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन यहाँ हुआ था। गांधी जी आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, सरदार पटेल आए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आए थे, सुभाष चंद्र बोस आए थे, सारे बड़े नेता आए थे। यहाँ के लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया था, अधिवेशन में भाग लिया था। स्थिति क्या थी, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्थिति थी कि देश गरीब था,
अनाज की कमी थी, कोई उद्योग नहीं थे। सरायकेला खरसावा जिले में अपराधियों ने दिन दहाड़े रघुनाथपुर गांव के रहने वाले श्याम मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही खरसावा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक नक्सलियों के खिलाफ पुलिस मुखबिरी का काम करता था, इसी वजह से नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। हमको भी नहीं बोल पाते हैं। मेरा वाइफ बोल रहा है 5-6 आदमी आया था ना, 9-10 इतना ही बोला था। कोई इधर सरहुल नाश में इतना आता ही है, लेकिन कोई नहीं पहचान इसका कौन है क्या नहीं हमको पता नहीं। हमको फोन कर दिया कि मतलब ये बुखार पे पीड़ित है, उसके चलते आओ थोड़ा ले जाना होगा, उसके चलते हमको बुलाया था। 3 गोली मारे हैं ऐसे, तो 3 गोली देखे सुबह को। समस्तीपुर में भूमि विवाद में कारोबारी की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। व्यवसायियों ने पटोरी बाजार की सभी दुकानों को बंद कर सड़क को जाम कर दिया, जिससे घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात 65 वर्षीय कारोबारी शशि शर्मा की भूमि विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना में मृतक के भाई को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लोग काफी आक्रोशित भी हैं। सहरसा में अपने जीजा को लाने गए एक 18 वर्षीय युवक की घात लगाए बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक अपने जीजा को लाने उसके घर गया था, लेकिन जीजा ने साथ चलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घर वापस लौटने के दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों ने जीजा पर हत्या करवाने का आरोप लगवाया है, जबकि पुलिस जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। विक्रम कुमार पासवान 18 साल उम्र है उसकी, पिता का नाम लक्की चंद्र पासवान है, सतौर नौहट्टा दरहा आरोपी का रहने वाला है। वो अपने साथ बनोई के यहाँ जा रहा था, उसी क्रम में किसी ने उसको चाकू मार करके घायल किया, जिसे ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। हमारे वहाँ SHO जलई जो है। बेगूसराय में मानवता को शर्मसार करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहाँ महज पेड़ काटने के मामूली विवाद में पड़ोसी ने 13 साल की मासूम बच्ची पर तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के शिवरौना गांव की है। पीड़िता गांव के ही रामलगन यादव की बेटी पूनम कुमारी बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर गंगटा मुख्य मार्ग के पास बिराजपुर में बालू से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा, जिससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गंगटा थाना क्षेत्र के बड़ी मझिया के निवासी अमित कुमार के रूप में की गई है। चाईबासा में कारो नदी में डूबे अमन मिश्रा का शव शनिवार को मिला। दरअसल शुक्रवार को नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवकों को नदी से सकुशल बाहर निकाला गया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद तीसरे युवक को ढूंढने में वे नाकामयाब रहे। सुबह ग्रामीणों ने शव को नदी में तैरते देखा, इसके बाद शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।